एलन पटना उन बच्चों के लिए आया है कि जो कोटा नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो एलन कोटा ही अब पटना में है। लॉन्चिंग ऑफर है ये, तो फीस भी यहाँ पर कम रखी गई है। सबसे बड़ा कंसर्न रहता है टेंथ वाले बच्चे के लिए कि उसे क्या सब्जेक्ट है उसे ऑप्ट करना चाहिए, पेरेंट्स के मन में भी सवाल होता है। तो मेजोरिटी ऑफ फैकल्टीज़ जो हैं हमारी वो सब एलन कोटा से ही आई है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल करियर फिलोलॉजी में। और आज हम पहुँच चुके हैं एलन पटना एडमिशन कम इन्फॉर्मेशन सेंटर पे, और ये देख रहे होंगे ये लोकनायक जयप्रकाश भवन है जिसमें एलन करियर इंस्टीट्यूट का ऑफिस है। और यहाँ पे कोटा से डॉक्टर विपिन योगी सर आए हुए हैं और वो बताने वाले हैं जो अभी स्टूडेंट 10th और 12th का एग्जाम दिए हैं और उनको IIT और JEE का फील्ड में जाना है। 12th वाले अगर ड्रॉपर के बारे में सोच रहे हैं तो उनके लिए सर क्या कुछ बताने वाले हैं इस वीडियो में। और मैं आपको बता दूँ, एलन की तरफ से एलन संवाद सेमिनार चल रहा है और इस सेमिनार में जो 10th और 12th के जो स्टूडेंट हैं उनको क्या कुछ बताया जाएगा ये सब कुछ हम जानेंगे डॉक्टर विपिन योगी सर से। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू। सबसे पहले तो आपके श्रोताओं को नमस्कार जी। सर एलन पटना क्यों आया? एलन पटना उन बच्चों के लिए आया है कि जो कोटा नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो एलन कोटा ही अब पटना में है। और उसका कारण हमारा यही था कि बहुत सारे ऐसे बच्चे थे कोविड के बाद जो पारिवारिक परिस्थितियों को देखें या फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, या बहुत प्रीशियस चाइल्ड होते हैं, तो पेरेंट्स का कोई कंसर्न अगर है कि कोटा वो नहीं भेज पा रहे किसी वजह से, तो उन बच्चों के लिए ही एलन कोटा अब पटना के अंदर आया है। ओके सर। अभी एलन की तरफ से एक सेमिनार हो रहा है एलन संवाद के नाम से। सर इसमें जो 10th और 12th के स्टूडेंट हैं उनको गाइड किया जाएगा, सर क्या कुछ गाइड किया जाएगा? देखिए बेसिकली जो है हम लोग पहले तो ये बताना चाहते हैं कि एलन कोटा की वही लीगेसी को लेकर पटना आ रहा है। तो मेजोरिटी ऑफ फैकल्टीज़ जो हैं हमारी वो सब एलन कोटा से ही आई है, और यहाँ पर वही एकेडमिक माहौल जो कोटा के अंदर है वैसा ही माहौल यहाँ रहने वाला है। वही वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ रहेगा, वही डाउट सॉल्विंग काउंटर, वही क्लासेस, वही क्लासेस का शेड्यूल, वही हमारे टेस्ट, वो सारा सिस्टम वही रहने वाला है। सेम एज इट इज़, सेम रिप्लिका जैसे कोटा में है वैसा यहाँ रहेगा। वहाँ पर 6th to 10th क्लासेस का जो है जूनियर सेक्शन का वो है, प्लस जो 10th के बाद IIT और मेडिकल के लिए बैचेस हैं, 12th पास जो है अचीवर लीडर बैचेस, वही सेम रहने वाले हैं। हम लोगों ने अभी इसके लिए एक जागरूकता के लिए कि बच्चों को, जैसे ही बोर्ड एग्ज़ाम अभी ख़त्म हो चुका है, उनका CBSE बोर्ड ओवर हो गया है, बिहार बोर्ड अभी ख़त्म हो चुका है इन बच्चों का, तो सबसे बड़ा कंसर्न रहता है 10th वाले बच्चे के लिए कि उसे क्या सब्जेक्ट है उसे ऑप्ट करना चाहिए, पेरेंट्स के मन में भी सवाल होता है। तो बच्चे का एक्चुअल कैलिबर क्या है, पोटेंशियल क्या है, उसके हिसाब से हम लोग ये चाहते हैं कि उसको वास्तविक रूप से उसको गाइड किया जाए एक्सपर्ट टीम के द्वारा, ताकि उसको कौन सा सब्जेक्ट लेना है, कौन सा उसका आगे करियर फ्यूचर बेस्ट हो सकता है, उसके लिए क्या बेहतर हो सकता है ऑप्शन, वो एलन संवाद के माध्यम से हम लोग उससे करने वाले हैं। 18 तारीख को सोमवार को हमारा 3 बजे से सेशन शुरू होगा रविंद्र भवन के अंदर, वहाँ पर हमने जो है इसकी पूरी व्यवस्था की है। और इन बच्चों को क्या उनके लिए करियर में बेस्ट रहेगा, वो कैसे उनको जो है जज किया जाए, उनका 1-to-1 इंटरेक्शन भी रहेगा, ओवरऑल भी हम लोग उनसे बात करेंगे बच्चों से कि उनके लिए अभी वर्तमान में क्या चल रही है सिचुएशन, उसके हिसाब से उनके लिए क्या जो आगे, ताकि उनका प्लेसमेंट भी इजी हो जाए, उनको जॉब में भी जो है दिक्कत नहीं आए, और जो करियर वो सोच रहे हैं उनको वो मिले, उसके लिए एलन संवाद हमने कार्यक्रम रखा है। सर 30-35 ईयर प्लस एक्सपीरियंस है एलन को पटना में भी, सर क्या कोटा वाली फीलिंग्स आने वाली, क्या कोटा वाली फैकल्टी रहेगी? आप लोग देख रहे होंगे क्लास में ये डाउट काउंटर पर बैठा हुआ हूँ मैं भी, और मेजोरिटी ऑफ फैकल्टी अपनी कोटा की ही है, तो वही सेम सिस्टम एज इट इज़, उसमें कोई 19-20 नहीं होगा। बल्कि हमारी कोशिश है, क्योंकि हमारा ये लॉन्चिंग ईयर है और ये फर्स्ट सेशन हमारा जाने वाला है, अभी एडवांस की क्लासेस शुरू हो चुकी है नीट और IIT के पॉइंट ऑफ व्यू से, 12th वाले बच्चे पढ़ ही रहे हैं, आप उनसे भी बात कर लीजिएगा, सेम एज इट इज़ जैसा कोटा में वैसा ही इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ रहता है। हमारा जो है जो टीचिंग मेथडोलॉजी है वही सेम रहने वाली है, वही स्टडी मटेरियल है, सेम एज इट इज़ जैसा कोटा में है वैसा ही हम लोग यहाँ रखेंगे, और उन्हीं फैकल्टी से जो कोटा में पढ़ा रही है, गाइड कर रही है बच्चों को, वही यहाँ पर आकर उनको गाइड करें। सर जो स्टूडेंट अभी तक अनअवेयर हैं और उनको एलन पटना के बारे में ब्रीफ जानकारी चाहिए, सर क्या कुछ बताएंगे, कैसे एडमिशन ले सकते हैं बच्चे, कैसे जुड़ सकते हैं? भाई अभी हम लोगों ने इसका बहुत सिस्टम सिंपल रखा है, जो कोटा का फीस स्ट्रक्चर है उससे भी अभी लॉन्चिंग ऑफर है ये,
तो फीस भी यहाँ पर कम रखी गई है। और जो स्कॉलरशिप टेस्ट होता है हमारा एसेट, वो हर संडे को यानी 17 तारीख को या फिर 24 को ही सरी, तो उसे स्कॉलरशिप टेस्ट के थ्रू बच्चे 90% तक स्कॉलरशिप ले सकते हैं। कुछ लॉन्चिंग ऑफर जो है अच्छे बच्चों के लिए वैसे भी है ऑलरेडी, डायरेक्ट एडमिशन भी बच्चा ले सकता है। और जो अभी जूनियर सेक्शन में तो 6 to 10 का अभी 20 मार्च से ही बैचेस शुरू हो रहे हैं, फिर 3 अप्रैल से शुरू हो रहा है, और जो सीनियर में है 10th, 11th, 12th वाले बच्चे वो 3 अप्रैल के लिए एनरोल कर सकते हैं। ताकि बच्चों को अगर स्टार्टिंग से ही अगर अभी से ही वो चालू हो जाएंगे तो हमें लगता है कि उनको स्टडी आवर्स और वो सब चीज़ें उनको बेहतर वे में मिलेगी और जो सिस्टम है वो उसको इजीली अडॉप्ट कर सकते हैं। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना कीमती टाइम करियर फिलोलॉजी का। थैंक यू सो मच सर। होप ये वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, आप सभी के बीच। थैंक्स फॉर वॉचिंग करियर फिलोलॉजी।